दोस्तों आपसे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि YouTube में वीडियो अपलोड करने के बाद थंबनेल कैसे लगाना है ये नहीं जानते हैं। तो किसी किसी नए चैनल में तो अपलोड थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि YouTube में वीडियो अपलोड करने के बाद कैसे थंबनेल लगाया जाता है और जिस जिस चैनल में थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं है वो किसे ये किसी तरह ये ऑप्शन को इनेबल कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आपको चैनल वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए आप किसी ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में जाने के बाद ये ऊपर में जो दिख रहा है आपका चैनल लोगो आइकॉन, ये लोगो में क्लिक करना होगा। लोगो में क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग आइकॉन दिखा रहा है, सेटिंग लिखा हुआ है, ये सेटिंग में क्लिक करना होगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा चैनल स्टेटस एंड फीचर, ये चैनल स्टेटस एंड फीचर में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ये यहाँ पे मेरा चैनल में वेरीफाइड लिखा हुआ है, आपको चैनल में यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन दिखा जाएगा। ये वेरीफाई का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका नंबर फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। फ़ोन नंबर देने के बाद आपका मोबाइल में एक OTP आएगा। यहाँ पे OTP देने के बाद आपका चैनल वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर में जाना होगा ये लोगो वाले आइकॉन में। लोगो वाले आइकॉन में क्लिक करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करना होगा। यूट्यूब स्टूडियो में ओपन होने के बाद आपको ये वीडियो का जो आइकॉन है ये वीडियो मैनेजर में जाना होगा, उसमें क्लिक करके वीडियो मैनेजर में जाना होगा। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आप जिस वीडियो की थंबनेल चेंज करना चाहते हैं इस वीडियो में यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पे पेन वाला एक आइकॉन दिखा जाएगा। ये पेन वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद आपको ये अपलोड थंबनेल का ऑप्शन आएगा। अपलोड थंबनेल के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका गैलरी खुल जाएगी और जो थंबनेल आप गैलरी में सेव करके रखा हुआ है ये थंबनेल आपका वीडियो के सामने लगा सकते हैं। तो कुछ वीडियो थंबनेल लगाने का तरीका कुछ ऐसा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।